हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के माध्यम से आपके लिए कोई ना कोई उपाय लेकर आते हैं, चाहे वो वास्तु से जुड़ा हुआ उपाय होता है या फिर आपके घर से जुड़ा हुआ होता है। उन उपायों से आप यकीनन अपने घर के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं, अपने ऑफिस के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं और आपके घर में होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे रोजगार की समस्या है, पैसे की समस्या है, पारिवारिक अनबन होती है, लोगों के मध्य आपसी झगड़े हो जाते हैं, तो छोटे छोटे उपाय हम घरेलू उपाय हर वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं, ताकि जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं को आप छोटे छोटे घरेलू उपायों से दूर कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से भी हम आपके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने कामों में बाधा महसूस करता है, कोई व्यक्तिगत बाधा उसे परेशान करती रहती है, यार मेरे तो कोई भी काम बन नहीं रहे हैं, तो दोस्तों उसको एक छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, नमक, दोस्तों सभी के घर में होता है नमक, तो नमक का एक छोटा सा उपाय भी आपके कामों में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है। करना क्या है आपको, शनिवार के दिन दोस्तों, शनिवार के दिन आपको नमक लेना है, एक मुट्ठी नमक ले ले और उसको 7 बारी, जैसे अगर इतना सा नमक ले ले, उसको आप 7 बारी अपने सिर से ऊपर उबार कर शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन 7 बारी उबार कर अपने घर के बाहर नाली में डाल सकते हैं। दोस्तों, इससे क्या होगा, आपके ऊपर जितनी भी किसी की बुरी नज़र लगी है, आपके कदम बाधा पड़ी हुई है या फिर आपका जो भी काम रुक जाता है, वह रुकना बंद हो जाएगा, क्योंकि नमक के असर से वह सारी चीज़ें आपसे दूर भाग जाएंगी और आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। तो व्यक्तिगत बाधा को दूर करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको इस उपाय से भी असर नहीं पड़ता, आपका यह उपाय भी आपका फेल हो जाता है, तो आप क्या करें, एक मुट्ठी नमक ले लें, उसको अपने ऊपर से 7 बारी उबार कर नाली में ना डाल के अपने फ्लश में, उसमें लैटरिन में जाएं और फ्लश कर दें उसको। फ्लश करने से आपकी जो बाधाएं होती है वो सब फ्लश हो जाएंगी और आप बिल्कुल ही अपने कामों में कोई भी बाधा या दिक्कत नहीं पाएंगे, आपके सारे के सारे काम अच्छे तरीके से बनेंगे और कोई भी आपकी व्यक्तिगत बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, व्यक्तिगत बाधा को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय हमने आपको बताया है। और भी लोगों तक हमारी बात पहुंचाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें। धन्यवाद।